नमो नमः छात्रः स्वागतमस्तु भाषा सज्जता लैंग्वेज ऑफ नॉलेज संस्कृत ग्रामर स्टूडेंट्स संस्कृत लैंग्वेज आपके लिए नई लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर आप अच्छी तरह सीखते हो तो वो लैंग्वेज अच्छी तरह आप रीड भी कर पाते हो और अच्छी तरह समझ भी पाओगे। तो आप सबको सबसे पहले ये भाषा का ज्ञान लेना है तो हम सबसे पहले ये भाषा के जो शब्द है वो शब्दों का अभ्यास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स कोई भी न्यू लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट को सिखाया जाता है तो संस्कृत में आज हम अल्फ़ाबेट का अभ्यास करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी वोवेल्स एंड कॉन्सनेंट्स इन संस्कृत ग्रामर। वोवेल्स मीन्स अ स्वर कॉन्सनेंट्स मीन्स अ व्यंजन। It is very important to know the alphabet before learning any new language. So today we will study Sanskrit letters. So pay special attention to how students recognize the letters. How can we speak it? How to read? Special you have to learn. Varna. Varna means a sound. A vowel or a consonant is known as a varna. Swar or vyanjan ko Sanskrit mein varna kaha jata hai. स्टूडेंट्स हमारे गले में एक स्वर पेटी है जहाँ से जो आवाज़ आती है जिसे हम स्वर कहते हैं लाइक अ आ ई ये सारे स्वर है और बाकी जो स्वर के साथ जुड़ के जो वर्ण बनाए जाते हैं लाइक क ख ग इसमें स्वरों का भी प्रयोग होता है जिसे कॉन्सनेंट्स यानी कि व्यंजन कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन एवरी लैंग्वेज One vowels and two consonants. Vowels means a swar, consonants means a vyanjanam. So students, सभी भाषा में दो टाइप्स के अल्फ़ाबेट्स होते ही है स्वर और व्यंजन। गुजराती हो हिंदी हो इंग्लिश हो संस्कृत हो कोई भी लैंग्वेज में ये दो टाइप के अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्वर एंड व्यंजन। सो चलिए स्टूडेंट्स दोनों को हम अच्छी तरह समझेंगे। Swarani means the vowels. There are 13 vowels in Sanskrit. You can see here A, A, E, E, U, U, Ru, Ru, Lu, A, I, O, O. So ye 13 vowels Sanskrit mein hai. I read again. A, A, third number E, fourth E, five U, six U, seven Ru, 8 ru 9 lu 10 a 11 i 12 o 13 o। चलिए स्टूडेंट्स सभी को एक बार फिर से हम वन बाय वन देखते हैं। ओके नंबर वन अ आ ई। स्टूडेंट ये छोटी ई है अब ये बड़ी ई इसको थोड़ा लॉन्ग खींचना होता है ई। नेक्स्ट ओ ये भी छोटा ओ उसके बाद लॉन्ग ओ। देन रो ये भी इसमें भी शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है इट इज़ द शॉर्ट इट इज़ लॉन्ग रो। ए आई ओ औ। तो ये 13 वोवेल्स संस्कृत में है आपको अच्छी तरह इसे रीड करना है। टाइप्स ऑफ वोवेल्स स्वराणाम प्रकार स्वर के प्रकार देखते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द वोवेल्स। फर्स्ट शॉर्ट वोवेल मीन्स ह्रस्व स्वर। सेकेंड लॉन्ग वोवेल मीन्स दीर्घ स्वर। एंड थर्ड संधि वोवेल मीन्स संयुक्त स्वर। सो स्टूडेंट्स ये तीन टाइप्स के वोवेल्स है शॉर्ट वोवेल लॉन्ग वोवेल एंड संधि वोवेल। लेट्स सी दिस वोवेल वन बाय वन। फर्स्ट शॉर्ट वोवेल। फर्स्ट शॉर्ट वोवेल ह्रस्व स्वर। शॉर्ट वोवेल्स मीन्स ह्रस्व स्वर। सो स्टूडेंट्स आप गुजराती में भी पढ़े हो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर ह्रस्व अने दीर्घ ई तुम्हें भण्या छो। दिस फाइव वोवेल्स आर शॉर्ट वोवेल अ ई ओ रो
लो। सो ये पांच जो स्वर है वो शॉर्ट वॉवल है। इसे शॉर्ट वॉवल इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर पेटी में से कम ध्वनि आती है, यानी कि ये शब्दों का, ये अल्फ़ाबेट्स का उच्चारण करने के समय हमें हमारी स्वर पेटी को ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता, इसलिए इसे शॉर्ट वॉवल कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं। अ ई ओ रो लो। सेकेंड लॉन्ग वॉवल मीन्स दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स लॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, इसे दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वॉवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर पेटी है उसका खिंचाव ज़्यादा होता है, जैसे कि आ ई रू ओ। सो ये चार जो स्वर है संस्कृत के, ये लॉन्ग वॉवल है। फिर से एक बार हम रीड करेंगे। आ ई रू उ। नंबर थ्री संधि वॉवल। संधि मीन्स संयुक्त स्वर स्टूडेंट्स, ऐसे वॉवल जो कोई एक वॉवल से नहीं, दो वॉवल जब जोड़ के कोई वॉवल्स बनता है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त मीन्स जॉइंट, तो इसे जॉइंट वॉवल्स भी कहते हैं। तो ये चार जो लास्ट स्वर है ए ऐ ओ औ, ये चार संयुक्त स्वर है। तो ये चार वॉवल्स जो है स्टूडेंट्स, जब दो स्वर जुड़ के कोई स्वर बनता है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। तो ये जो चार स्वर है ये कोई भी दो स्वरों को मिलाकर एक स्वर बना हुआ है, इसीलिए इसे जॉइंट वॉवल यानी कि संधि वॉवल कहा जाता है। चलिए चारों चार वॉवल्स हम समझते हैं कि कौन कौन से जो स्वर है उसके जुड़ने से ये चार वॉवल्स बनते हैं। लेट्स सी। ओके फर्स्ट ए। ए जो स्वर है स्टूडेंट्स, अ प्लस ई और आ प्लस ई, ये दोनों स्वरों से मिलकर ये जो स्वर बना हुआ है। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए और आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ओके तो ये जो स्वर है ये दोनों स्वरों से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड आई। आई मीन्स अ प्लस ए। अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो आई ये जो स्वर है अ प्लस ए, ये दोनों स्वरों से मिलकर बना हुआ है। सो अ प्लस ए मीन्स आई। नेक्स्ट ओ। ओ मीन्स अ प्लस उ और आ प्लस उ। अ प्लस उ और आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तो ये दो जो वॉवल्स जोड़ के ये ओ वॉवल्स बना हुआ है, ओ अ प्लस उ और आ प्लस उ। नेक्स्ट ओ। ओ मीन्स अ प्लस ओ और आ प्लस ओ। तो ये दोनों वॉवल्स को जोड़ के ओ बनता है, अ प्लस ओ और आ प्लस ओ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये संयुक्त स्वर यानी संधि वॉवल समझ में आ गए होंगे। ये चारों चार वॉवल्स जो है कोई दो वॉवल्स के जुड़ने से बनते हैं, ये मैंने आपको बताया कौन कौन से वॉवल्स जुड़ के कौन सा वॉवल बनता है। चलिए देखते हैं कॉन्सनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया कि 13 वॉवल्स हमने देखे, अब देखेंगे कॉन्सनेंट्स मीन्स व्यंजन। सो देर आर 33 कॉन्सनेंट्स इन संस्कृत फ्रॉम क टू ह। सो क से ह तक 33 कॉन्सनेंट्स संस्कृत में है, मीन्स संस्कृत में 33 व्यंजन है। लेट्स सी द कॉन्सनेंट्स। लेट्स रीड दिस कॉन्सनेंट्स। क ख ग घ। घ के बाद जो स्टूडेंट्स है वो है अंग। सो उसे अंग इस तरह रीड करेंगे आप स्टूडेंट्स। नंबर फाइव जो है क ख ग घ अंग। नेक्स्ट च छ च ज। उसके बाद जो है स्टूडेंट अन। ये दोनों वर्ड्स आप याद रखोगे, अंग एंड अन, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। ज के बाद नंबर 10 पर जो है वो है अन एंड नंबर 5 जो है वो है अंग। नेक्स्ट ट ठ ड ढ अण। ट ठ ड ढ अण। देन त थ द ध न। नेक्स्ट प फ ब भ म। य र ल व। श श श ह। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स रीड वन मोर टाइम। क ख ग घ अंग। च छ ज ज अन।
ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। सो स्टूडेंट्स, ये क टू ह से लेकर 33 व्यंजन संस्कृत में है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कॉन्सनेंट। टाइप्स ऑफ कॉन्सनेंट मीन्स व्यंजन के प्रकार। जैसे स्वर के प्रकार थे, इसी तरह व्यंजन के अलग अलग प्रकार है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्सनेंट्स। नंबर 1 कंठस्य, नंबर 2 तालव्य, नंबर 3 मूर्धन्य, 4 दंतव्य एंड 5 ओष्ठ्य। नंबर 1 कंठस्य मीन्स गटरा। स्टूडेंट, कंठस्य यानी कि कंठ, जो आवाज़ हमारे कंठ से आती है जब हम ये व्यंजन पढ़ते हैं, तो ये सारे व्यंजन की आवाज़ हमारे कंठ यानी हमारे थ्रॉट में से आती है। सो वी कैन रीड दिस कॉन्सनेंट्स फ्रॉम आवर थ्रॉट। रीड विथ मी। क ख ग घ अंग ह। सो स्टूडेंट्स, ये जो 6 कॉन्सनेंट्स है ये कंठस्य टाइप के हैं। कंठस्य यानी ये जब हम रीड करते हैं तो ये हमारे कंठ में से बोले जाते हैं, इसीलिए इसे कंठस्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसे गटरा और गटरल साउंड भी कहते हैं। ओके, रीड वन मोर टाइम। क ख ग घ अंग ह। सेकेंड टाइप तालव्य, पैलेटल। तालव्य मीन्स पैलेटल। स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में जो ऊपर का हिस्सा है उसे तालू कहा जाता है, उसे प्लेट भी कहा जाता है। जब हम ये जो व्यंजन रीड करते हैं तो हमारी जो टंग है वो तालू को टच करती है, यानी ऊपर के हिस्से को टच करती है, इसीलिए इसे तालव्य कहा जाता है। तो देखते हैं तालव्य। रीड विथ मी। च, देखिए हम रीड करते च तो हमारी टंग ऊपर के हिस्से को टच करती है। च छ ज ज अन य स। ओके, तो ये जो कॉन्सनेंट्स है वो है तालव्य। रीड अगेन। च छ ज ज अन य स। थर्ड टाइप ऑफ द कॉन्सनेंट्स मूर्धन्य मीन्स सेपरेट। मूर्धा। मूर्धा मीन्स स्टूडेंट्स, जब हमारी टंग थोड़ी सी मूव होती है उसे मूर्धा कहा जाता है। तो जब हम ये व्यंजन रीड करेंगे तो हमारी जो टंग है वो थोड़ी टर्न होगी और ऊपर के जो तालू है उसे टच करेगी। चलिए रीड करके देखते हैं। ट, देखिए हम ट बोलते तो थोड़ी जो हमारी टंग मूव हो जाती है और तालू को टच करती है, इसे मूर्धा कहा जाता है संस्कृत में। तो ये जो स्थिति है मूर्धा की है, सेपरेट कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स रीड करते हैं। रीड विथ मी। ट ठ ड ढ अण र स। ओके, तो ये जो व्यंजन हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी टंग मूव हो जाती है। जस्ट ट्राई टू रीड दिस कॉन्सनेंट्स विदाउट मूविंग योर टंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। देखिए मूव किए बिना हम नहीं रीड कर पाएंगे। ट्राई करते, देखिए तो ट का त हो जाता है ना। तो फिर से हम रीड करते हैं। ट ठ ड ढ अण र श। तो ये जो सारे व्यंजन है वो है मूर्धन्य, सेरेब्रेट। नंबर 4 दंतव्य। दंतव्य मीन्स डेंटल। डेंटल मीन्स दंतव्य। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये व्यंजन रीड करते हैं हमारी जो टंग है वो दांत हमारे जो है, हमारे टीथ जो है उसे टच करती है, इसीलिए उसे दंतव्य कहा जाता है। चलिए रीड करते हैं। यू कैन नॉट रीड दिस कॉन्सनेंट्स विदाउट टचिंग योर टंग टू योर टीथ। रीड विथ मी। त थ द ध न ल स। स्टूडेंट, ये जो स है वो दंतव्य है, तब ये दांत को टच करता है। देखो तीन टाइप के स है। रीड अगेन। त थ द ध न ल स। नंबर 5 ओष्ठ्य मीन्स लिबियल। जस्ट ट्राई टू रीड दिस वर्ड्स विदाउट टचिंग योर लिप्स। कैन यू रीड स्टूडेंट्स? नो, यू कांट रीड बिकॉज इट इज़ द ओष्ठ्य। लेट्स रीड। प फ ब भ म व।
तो ये जो सारे कॉन्सनेंट्स है स्टूडेंट्स, हम बिना लिप्स को टच किए इसे नहीं रीड कर सकते। ओके, देखिए प, हाँ तो हमारे लिप्स टच होते हैं इसमें, इसीलिए इसे ओष्ठ कहा जाता है। प फ ब भ म व। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सभी टाइप्स के व्यंजन फिर से एक बार देखते हैं। नंबर वन, कंठशीर, कटरा, क ख ग घ अंग ह, तो ये जो है ये सारे कंठशीय है। नंबर टू, तालव्य, पैलेटल, च छ ज ज अन य। नंबर थ्री, मूर्धन्य, सेरेब्रेटर, ट ठ ड ढ अण र श। नेक्स्ट नंबर फोर, दंतव्य मीन्स डेंटल, त थ द ध न ल स। नंबर फाइव, ओष्ठ्य, लिबियल, प फ ब भ म व। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये 33 कॉन्सनेंट्स है इसे ये पांच टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमो नमः, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।